नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार। पहली बारी सुर्खियों की, फिर रुक करेंगे दिन की मुख्य खबर की। पहली सुर्खी, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार सुबह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। उनकी सजा तो पिछले सप्ताह ही पूरी हो गई थी, अब जाकर उनकी औपचारिक रिहाई हुई है। पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश चौटाला के वकील रिहाई के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे थे। शुक्रवार को तिहाड़ जेल में कागजी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो गए हैं। दूसरी सुर्खी, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को भारत में ऑफिशियल तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। गेम की लॉन्चिंग का ऐलान कंपनी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से हुआ है। गेम को 2 जुलाई की सुबह 6:30 बजे भारत में लॉन्च किया गया है। मुंगेर की पूर्व SP लिपि सिंह को फेम इंडिया की ओर से देश की सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में जगह देने पर NCP ने विरोध किया है। श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने इसकी निंदा करते हुए सूची से बाहर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई घटना के बाद लिपि सिंह का तबादला करा दिया गया था। चौथी सुर्खी, महामारी के चलते लंबे चल रही RRB NTPC फेज 7 परीक्षा 2021 की तारीख का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी फेज 7 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 7वें चरण की NTPC कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा वीरवार 1 जुलाई 2021 को जारी नोटिस के अनुसार RRB NTPC फेज 7 एग्जाम 2021 का आयोजन 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को किया जाएगा। अब रुक करते हैं दिन की मुख्य खबर की ओर। भारतीय सेना को आज स्वदेशी रूप से विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम मिल गया है, यानी अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। ये शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम छोटी नदियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना को निपटने में मददगार साबित होगी। 10-10 मीटर के ये 12 ब्रिजिंग सिस्टम यानी छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर संचालन के लिए होगा। DRDO प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद रहे। बता दें कि इस सिस्टम को DRDO और LNT द्वारा डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान DRDO प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि हमने ये प्रणाली पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से विकसित की है। फिलहाल कोलार में इसका ट्रायल चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। इसके लिए आगे की तैयारियों पर विचार चल रहा है। इस दौरान कई प्राइवेट कंपनियां भी आई हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में मदद कर रही हैं। DRDO प्रमुख ने कहा कि मैं LNT को कम समय में इन ब्रिजिंग सिस्टम के साथ आने के लिए धन्यवाद देता हूं। DRDO प्रमुख ने कहा कि अगस्त के अंत तक वे लगभग 30 पुल ब्रिजिंग को वितरित करने में सक्षम होंगे। वहीं सेना जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि ये शॉर्ट स्पेन ब्रिज पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका उत्पादन LNT द्वारा किया गया है और DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक और कदम है। सेना में शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग को शामिल करने के दौरान सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि ये सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा दिल्ली कैंट में कोर ऑफ इंजीनियर्स को ये उपकरण सौंपे हैं। इसकी कुल कीमत 492 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को DRDO के साथ भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है और देश के भीतर LNT लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक साल में उद्योगों पर लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय सेना को ब्रिजिंग सिस्टम की आपूर्ति समय पर की गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।